और वहीं पश्चिम बंगाल के एक मंदिर की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय बारिश भी हो रही थी। बताया जाता है कि यहां दीवार गिरने के कारण श्रद्धालु घबरा गए और भगदड़ मच गई। श्रद्धालु मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्र हो रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सीएम ममता ने जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मंदिर उत्तरी 24 परगना जिले के कछुआ में स्थित है। बाबा लोकनाथ बंगाल के एक बहुत पॉपुलर एक महापुरुष हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनकी जन्मस्थली कोचुआ में हर साल लोग जल चढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। जैसा बाबा धाम में जाते हैं, तारकेश्वर में जाते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ लाखों लोग एकत्रित होते हैं और 3 दिन तक ये मेला चलता है। इस जमावड़ा के कारण वहाँ की अव्यवस्था भी होती है और सरकार की तरफ से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कहीं पर कोई खामियाजा था, इसलिए वहाँ जो घटना घटा है, दुर्घटना घटा है, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, करीब 50 लोग वुंडेड हुए हैं। सरकार को इस मामले में पहले सचेत होना चाहिए। जैसे गंगा संगर मेला में होता है, कुंभ मेला में होता है, या तारकेश्वर में होता है, बाबा धाम में होता है, कई जगह ऐसी बड़ी बड़ी मेलाएँ लगती हैं, लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो लोगों की जान माल की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं खामियाजा था, इसलिए इस प्रकार घटना घटा है। जो जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए।